students, how are you? I hope you all are fine and healthy. Standard 4th में science का ये हमारा पहला lecture है, ठीक है? Standard 4th में science का हमारा पहला lecture है. Chapter 1 के जो hard words है, वो मैंने आपको जो WhatsApp में send कर दिए हैं. Hard words को आपको CW में 2 times लिखना है और अच्छे से याद भी कर लेना है, ठीक है बच्चों? चैप्टर वन है हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शन. ओके, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शन. पार्ट्स यानी कि उसके जो अलग अलग विभाग होते हैं, ठीक है? प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में आपको क्या दिखता है, फ्लावर्स, लीव, स्टेम, रूट, ठीक है? उसके जो फ्रूट, सीड्स, ये सारे जो है प्लांट्स के पार्ट्स है. और उसके फंक्शन, ठीक है, उसके पार्ट्स के बारे में हमें स्टडी करना है कि प्लांट्स के कौन से पार्ट्स है और उसके फंक्शन क्या है, ठीक है? सपोज हमने पर्टिकुलर एक ले लिया स्टेम, तो स्टेम के कौन से फंक्शन है, ठीक है, उसे हमें स्टडी करना है. सो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, वनस्पति जो होती है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स, विभाग और उसके फंक्शन के वो क्या काम करते हैं, ठीक है? फर्स्ट है हम रूट सिस्टम. रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, रूट सिस्टम में क्या आएगा? रूट सिस्टम में ये सब पॉइंट है, फिक्सेशन, अब्सॉर्प्शन, स्टोरेज, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है? ये उसके जो फंक्शन है कि वो क्या, उसका वर्क क्या है. तो जो रूट होता है जो पूरे प्लांट को, ठीक है, ये सपोज ये रूट है तो उसको पूरे प्लांट्स को वो फिक्स रखता है, ठीक है? जमीन में जो उसके जो हमारे सॉइल में अंदर जो उसके रूट्स होते हैं वो अंदर तक वो फैले होते हैं और उससे क्या होता है, वो पूरी तरह से फिक्स होता है एक जगह पर, ठीक है? नेक्स्ट है शूट सिस्टम. सो शूट सिस्टम में कौन से पार्ट्स है? स्टेम आएगा, ब्रांच, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड. तो ये हो गए शूट सिस्टम. पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ये जो पूरा चैप्टर जो है उसके अंदर मेन पॉइंट्स कौन से आएंगे वो हमने यहाँ पर लिख लिए है, जिससे आपको क्या है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका चैप्टर का, कि चैप्टर में क्या क्या आएगा वो आप क्लियर हो जाएगा. अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के कौन से पार्ट्स है? स्टॉम, पेटल्स, सेपल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टिल. ओके, तो ये है फ्लावर्स के पार्ट्स. तो हम अब लोग रूट सिस्टम को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो ये चैप्टर 1 है उसे हम लोग हमारी बुक में ओपन करेंगे बच्चों. अच्छा, आपको अपने बुक में ये वाला पेज जो है ओपन करना है. ओके, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शन चैप्टर 1, यहाँ पर वार्म अप में दिया गया है. ईच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ट्री थिंक दैट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. हाउ आर द फॉलोइंग पार्ट यूजफुल? लीव, फ्रूट, ट्रंक, स्टेम, फ्लावर्स एंड रूट. हमारे जो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ओके, ये लीफ है, ये फ्रूट है. फ्रूट कौन सा दिख रहा है आपको? मैंगो का. ये ट्री है, ओके, ये फ्लावर है और ये रूट है, ठीक है? ये कहाँ पर होते हैं? अंदर जो जमीन होती है उसके अंदर ये रूट होते हैं, ओके. तो हमें कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा यूजफुल होता है? हम लोग मोस्ट ऑफ जो यूजफुल पार्ट है उसका फ्रूट है. अदरवाइज हम लोग लीफ भी, लीफ है, रूट्स है, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई तरह से यूज़फुल ही होता है. ट्री तो पूरा का पूरा यूज़फुल ही होता है, बट हम लोग मोस्ट ऑफ जो फ्रूट्स है उसे ज़्यादातर खाने में फूड एज अ फूड यूज़ करते हैं, ओके. प्लांट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स एंड दे ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, बट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट रिमेन द सेम. ठीक है, उसके फंक्शन जो है वो सेम होते हैं. प्लांट्स आर मेनी टाइप्स एंड दे ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. प्लांट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक जैसे नहीं होते. उसके लीव, रूट, उसके शूट सिस्टम, उसका स्टेम, ठीक है, वो पतला है या फिर
के प्लांट से हमारे यहाँ पर और उसके जो फंक्शन है वो भी डिफरेंट है. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट. ओके, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और उसके जो टाइप्स ऑफ रूट होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. स्टेम लीव्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक जैसे नहीं होते. अगर किसी का सेप इस तरह से ओके तो किसी का सेप इस तरह से भी होगा. ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेप्स भी होते हैं और उसका जो वर्क होता है वो भी डिफरेंट होता है. और फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट रिमेन द सेम. उसके जो फंक्शन है, अगर हम लोग बोलेंगे कि रूट है वो उसका जो सैप है वो ठीक है चलो अलग है, बट उसका जो फंक्शन है कि वो जो पूरा प्लांट है उसे जमीन के साथ जोड़कर रखता है, ठीक है, वो वाटर अब्सॉर्ब करता है, वो फूड जो है स्टोर करेगा, ठीक है. कुछ टाइप्स के जो रूट होते हैं वो फूड को भी स्टोर करते हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे प्लांट को जो सॉइल है उसके साथ फिक्स करके रखेगा. तो उसके जो फंक्शन होते हैं वो सेम ही रहते हैं, ठीक है. उसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं बट उसके फंक्शन एक जैसे ही होते हैं. तो यहाँ पर है, कुछ हमें प्लांट्स दिए गए हैं जैसे कि कैक्टस, हिबिस्कस एंड लोटस. ओके, ये हो गए उसके प्लांट्स. अब आएंगे हम लोग रूट सिस्टम पर. वी नो दैट द रूट ऑफ प्लांट ग्रो अंडर द सॉइल. रूट जो होते हैं, ओके, हम लोग कॉमन जो प्लांट है उसे हम लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है. अभी ये हो गया ट्री. ओके, तो उसके जो रूट होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से जमीन में फैले होते हैं. तो ये जो रूट जो है वो अंडर द सॉइल, ठीक है, सोयल की अंदर ग्रो होता है. हो गया, रूट जो है सोयल की अंदर ग्रो होता है. उसके फंक्शंस क्या क्या है, फिक्सेशन, यहाँ पर इसके फंक्शन है फिक्सेशन, अब्सॉर्प्शन, स्टोरेज एंड प्रिवेंशन ऑफ सोयल. फिक्स यानी कि उसे एक जगह पर फिक्स रखना, ठीक है. अब्सॉर्प्शन यानी कि वो वाटर अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम सोयल, जमीन में से वो वाटर को अब्सॉर्ब करता है. स्टोरेज यानी कि कुछ टाइप्स के जो रूट होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल का इरोजन, एक जगह से जो सॉइल होती है वो दूसरी जगह चली जाती है तो उससे क्या होता है, जमीन जो है वो धुल जाती है, सॉइल का इरोजन हो जाता है. बट जो रूट होते हैं वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिप में देखेंगे फिक्सेशन में क्या है. रूट फिक्स द प्लांट firmly to the soil. Big tree have thick and widespread root under the soil to support them. For example, neem tree and banyan tree. Thus, the root help the tree to remain firmly fixed to the ground. Yani main point क्या है, जो tree जो है remain firmly fixed to the ground. यानि कि वो plant या tree होता है उसे पूरी तरह से ground के साथ फिक्स करता है. ओके, रूट फिक्स द प्लांट विद द ग्राउंड यानी कि फर्मली टू द सॉइल. बिग ट्री होते हैं उसके थिक और वाइड स्प्रेड रूट होते हैं अंडर द सॉइल. अगर जैसे वो ट्री अगर बिग होगा तो उसके जो रूट है वो बहुत जगह पर फैले होंगे. ओके, और थिक भी होंगे. द सॉइल सपोर्ट देम. सॉइल जो होती है, यहाँ पर सॉइल जो होगी वो रूट को सपोर्ट करेगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री एंड बनियान ट्री. जैसे कि नीम ट्री होंगे और बनियान ट्री है, उसका जो ट्री है वो थिक, उसके जो रूट होंगे वो थिक भी होंगे और पूरी तरह से जमीन में हर एक जगह पर फैले होंगे. ओके, रूट जो है वो ग्राउंड के साथ ट्री को पूरी तरह से फिक्स करके रखता है. ये हो गया फिक्सेशन. फिक्सेशन यानी कि फिक्स करके रखना, ठीक है. एब्जॉर्प्शन, अगर आप, मैंने आपको बोला एब्जॉर्प्शन यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करना. रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स ओवन फूड. ओके, रूट जो है वाटर को अब्सॉर्ब करेगा और जो सॉइल के अंदर मिनरल्स है, मिनरल्स यानी कि जो भी हमें तत्व मिलेंगे सॉइल में से, हम लोग अगर कोई भी हम
लोग वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें से जो हमें पोषण मिलता है, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो जो प्लांट्स जो है वो सॉइल में से उस मिनरल्स और जो विटामिन है उन्हें वो ऑब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वो ऑब्जॉर्ब करेगा, बाद में हम उस वेजिटेबल्स को खाएंगे तो हमें उस तरह के मिनरल्स प्राप्त होंगे, ठीक है। सो रूट ऑब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और जो सॉइल जो है वो प्लांट को अपना खुद का जो फूड बनाने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। स्टोरेज, सम प्लांट यानी कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड, स्टोर एक्सेस फूड, ओके, वो फूड को अपने रूट के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिस एंड बीट रूट, ओके, कैरेट, रेडिस और बीट रूट जो है वो इस तरह से स्टोर करते हैं फूड को, ओके। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रूट प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द टॉप सॉइल टुगेदर टाइटली। रूट जो होते हैं रूट वो सॉइल के साथ फिक्स है, ठीक है, तो ये हो गया है टॉप सॉइल का पार्ट। पहला जो लेयर होता है वो होता है टॉप सॉइल, तो टॉप सॉइल को रूट के साथ क्या करेगा, इस तरह से फिक्स होगा उसके साथ, होल्ड करके रखेगा, ठीक है, टॉप सॉइल इसके साथ होल्ड करके वो पकड़ के रखेगा रूट। सो टॉप सॉइल का जो जमीन का पहला जो पार्ट है वो आगे धूल कर नहीं जाएगा, यानी कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा, ओके। तो ये हो गया रूट सिस्टम, फिक्सेशन, अब्सॉर्प्शन, स्टोरेज एंड प्रिवेंशन। सॉइल फिक्स है, फिक्सेशन यानी कि फिक्स करके रखना, अब्सॉर्प्शन यानी कि वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना, ठीक है, अब्सॉर्ब करना। स्टोरेज यानी कि उसे स्टोर करके रखना, फूड को रूट के अंदर स्टोर करके रखना। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल यानी कि जो सॉइल का इरोजन है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, या फिर उसका जो पहला जो टॉप सॉइल का पार्ट है वो धुल जाए तो उसे बोलेंगे सॉइल इरोजन, उसे वो प्रिवेंट करेगा, ओके। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रूट सिस्टम, ओके। बच्चों आपको ये पहला जो रूट सिस्टम समझ में आया, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे पर्सनली जो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेंगे सूप सिस्टम।